मेरा बर्थडे कल है तो आज मैं पार्टी थ्रो कर रही हूँ ताकि मैं अपने सभी दोस्तों के साथ ब्रिंग इन कर सकूँ मेरा बर्थडे। तो कल का दिन तो काफ़ी चिल है, बट आज दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई एम थ्रोइंग अ पार्टी। तो बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस थे, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। आई थिंक इट्स अ बिग स्टेप। तो एनीवे मैं 23 के हो रही हूँ, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। ऑनेस्टली मेरी फैमिली में एंड इनफैक्ट जो जिनको भी मैं जानती हूँ, आई एम द ओनली वन जो अपने खुद के बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड होती है। सो सारे 23 बर्थडे जितने भी मैंने बनाए हैं वो मैं बहुत शिद्दत से बहुत उसमें ध्यान देती हूँ। चाहे मैं अगर कुछ सिंपल भी कर रही हूँ, आई एम ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट इट्स स्पेशल, इट इज़ नाइस। तो मैंने और ऑल्सो पैंडेमिक आ गया था बीच में, तो मैं अपने सब दोस्तों से एक साथ नहीं मिल पाई थी। यू नो गैदरिंग वॉज ऑलवेज कि यू नो अभी गैदर कैसे करेंगे। सो लाइक दिस टाइम आई थॉट कि अभी थोड़ा सा सब सेटल हो गया है, पीपल आर स्टिल गेटिंग आउट, तो इस बार आई एम गोइंग टू थ्रो द बिगेस्ट पार्टी एवर एंड आई एम गोइंग टू कॉल ऑल माई फ्रेंड्स एंड दैट्स हैपनिंग। आई एम सो एक्साइटेड, जस्ट बिगैन, आई सॉ अ कपल ऑफ देम कमिंग एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड। आई थिंक माई जर्नी विद OTT हैज़ बीन वेरी स्पेशल। इट हैज़ गिवन मी अ होल डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। मुझे बहुत अलग अलग किरदार करने को मिले हैं OTT के ज़रिए, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे बहुत अच्छे शोज़ आ रहे हैं, मेरा एक Amazon Mini TV पे शो आ रहा है शिल्पा शुक्ला के साथ। इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स माई कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई हैव डन बिफोर। और हॉस्टल डेज Season 3 आ रहा है, गर्ल्स हॉस्टल Season 3 आ रहा है, कोटा फैक्ट्री का भी Season 3 की बातें चल रही हैं, लिखा जा रहा है वो, तो बहुत सी चीज़ें हैं पाइपलाइन में। कि तू नहीं आएगा तो मैं पार्टी नहीं करूँगी, ऐसा सबको उसने किया है। सब मेरे को बता रहे हैं, मेरे को मैसेज आ रहे हैं। तो नहीं नहीं बट एहसास और मैं काफ़ी पहले से अच्छे फ्रेंड्स रहे। इनफैक्ट मेरे हमारी कॉमन फ्रेंड होती थी, उसके थ्रू हम फ्रेंड्स बने। सो आई एम वेरी हैप्पी आज पैदा हुई। तो मुझे कोटा फैक्ट्री तो पसंद ही है, हॉस्टल डेज जो शो है मेरे को उसमें एहसास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अंडररेटेड जो एहसास सच में है ना, उसने अपना वो रोल कोटा फैक्ट्री में प्ले किया। सो आई एम फाइन। एक्साइटमेंट तो मतलब बर्थडे के लिए जितनी एक्साइटमेंट होती है उतनी है अभी, क्या मतलब और एक्साइटमेंट। बट मेरी शूट ख़त्म हुई अब भी, और इसके लिए काफ़ी टाइम अभी मिला है ऑफ, तो अभी बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ मैं एहसास को भी। सो आई जस्ट होप दैट हैव अ गुड टाइम, आई एम लुकिंग फॉर अ चिल टाइम, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। एज एन एक्टर शी इज़ फिनोमिनल, आई फील शी इज़ वेरी गुड एज एन एक्टर। एज अ फ्रेंड तो शी इज़ माई ईटिंग पार्टनर। मतलब जब भी अपने को खाना होता है कुछ तो एहसास के साथ, क्योंकि जब डाइट टूटती है ना तो एहसास के साथ। इट्स सुपर फन एक्चुअली, यही मौका मिलता है जब एक्चुअली हम लोग हैंग आउट कर पाते हैं, वरना बिजी होते हैं अपने अपने लाइफ में, शूट्स ये वो वट एवर। तो या इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट, टू हैंग आउट, टू हैव फन एंड विश आवर बिलव्ड फ्रेंड हैप्पी बर्थडे। ऑफकोर्स इज अ ब्रिलियंट एक्टर, हम चाइल्ड एक्टर्स साथ में हुआ करते थे। I've been seeing her since then and lately Jugadistan mismatch dono mein I've seen her done fab job.